बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी है। मेरे भाई का क्या होगा जब वो ये फोटो देखेंगे? मेरे भाई, मैंने पहले ही कहा था कि उस पर ट्रस्ट मत करो। अब मैं क्या करूं? अरे अयान, आखिर कब है एंगेजमेंट? बताओ कैसे एंगेजमेंट? अरे मुजफ्फर ने रात में मुझे बताया था कि उस्मान और लैला दोनों एक साथ बहुत करीब दिखे थे। चीजें बिल्कुल ऐसे ही शुरू होती हैं, समझी तुम? तो साथ में था, उससे क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आया। मैं अपने हस्बैंड के साथ चाय पीने गई थी और आज हमारे 3 बच्चे हैं। क्या बात है। हाँ, चीजें ऐसे ही तो शुरू होती हैं। आप लोगों को इन बातों पर इतना क्यों इंटरेस्ट है, समझ नहीं आता। उस्मान हमारे मोहल्ले का बच्चा है और वो कितना सक्सेसफुल है, हम अप्रिशिएट करते हैं उसे। आपको जलन हो रही है क्या? आप हर बात से जलती हैं। अरे नहीं, हम तो बस क्यूरियस हैं। लैला का उसके बॉस के साथ चक्कर ना हो, वो उसे अक्सर कार में लेकर आता जाता था, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तुम्हें पता है? अरे हाँ, सही है, वहाँ एक आदमी। मेरा भाई और लैला कई सालों से दोस्त हैं, समझ में आया? मैं जा रही हूँ अब यहाँ से, गुड बाय। हाँ बिल्कुल सही कहा। दोस्त सिर्फ दोस्त है, मैं मैप की वजह से जाकर पूछती हूँ। तुम यहीं पर रुको, शॉप करती हूँ, तुम जाओ। मैं बस अभी आती हूँ सारी जानकारी लेकर। ओहो, कितना सामान बिखेर रखा है, ये सब कुछ अच्छे से संभाल के रखना होगा। अरे गुड मॉर्निंग मेरी पड़ोसन। तुम्हें देखकर मॉर्निंग गुड नहीं बैड हो जाती है। मैं यहाँ तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। किस बात की? अरे तुम्हें पता नहीं, हर कोई लैला और उस्मान के बारे में बात कर रहा है। क्या हुआ उनको? मुझे क्या पता है, एंगेजमेंट शादी मुझसे बेहतर तो तुम जानती होगी। लेकिन ब्रावो, तुम बहुत होशियार निकली। जब तक वो एक बुचर था तो उसकी कोई कीमत नहीं, और अब जब वो फेमस हो गया है तो तुमने सोचा हाथ से ना निकल जाए, इसलिए तुमने उसको लपक लिया। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जब देख लो कुछ ना कुछ बोलती रहती, आज तेरे मैं चक 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 करके टुकड़े कर दूंगी, समझी तू? तुम खुद ही एक नंबर की शैतान खोपड़ी हो, बहुत ही चालाक हो, मानना पड़ेगा। चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, चुगलखोर हमेशा चोरी करती रहती है, ताकि तुम्हें न्यूज़पेपर से पता ना चले। मैंने कहा भाग यहाँ से। सांस अटक गई है। वो फोन नहीं उठा रही, मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ा उसने। वो रोज रात अपना फोन साइलेंट पर रखती है, लगता है उसे रिंग पर करना भूल गई होगी। मैं अपने भाई को कॉल करूं, पर मैं उसे कहूंगा क्या? उसे बताइए कि अर्जेंट काम है मुझे। गुड आइडिया। अनरीच बुला रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? क्या करें? एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ? माउंटेन हाउस में, हमें सनम से बात करनी होगी। मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। ठीक है, चलो। पता नहीं भाई कहाँ चला गया, जाने से पहले उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था। नहीं कुछ नहीं, वो शूटिंग से आया और फिर से बाहर निकल गए, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, मैं उन्हें फिर से एक बार कॉल करती हूँ। हेलो, कैसे हो? अरे भाई, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी, कहाँ थे? हेयरड्रेसर के पास गया था, रात की तैयारी करनी थी ना। किसकी तैयारी? मैं लैला को डिनर पे ले जाने वाला हूँ, अगर वो अवेलेबल रही तो। मैंने एक फैंसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन भी कर लिया है और ये खरीदा है उसके लिए। क्या वो अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है, मुझे यकीन है उसे पसंद आएगा। हाँ, वो डिजर्व तो इससे भी अच्छा करती है, लेकिन मैं यही अफोर्ड कर पाया। और शॉप में सब कैसा चल रहा है? बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। हम कब पहुंचेंगे, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। अब तो मुझे टेंशन हो रही है, कहीं हमें देर ही ना हो जाए। डोंट वरी, पहुंचेंगे। उठा लीजिए उन्हें, आपसे जरूरी काम होगा। हाँ बोलो आइलेन। वो एक्चुअली
मैं इस वक्त बिजी हूँ, बोलो क्या हुआ? तुम्हारी मॉम चाहती है कि हम तीनों आज डिनर के लिए जाएं। तुम रिजर्वेशन कर दोगे प्लीज? लेकिन मुझे तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना है। बाय द वे एमरे, ये तुम्हारी मॉम की रिक्वेस्ट है। आई एम बिजी, ओके, आई विल कॉल यू लेटर। लैला, मैं घुमा फिरा के नहीं पूछूंगी, मुझे सच सच जवाब चाहिए। उस्मान और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? उस्मान के साथ? हाँ, उस्मान के साथ। बस मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। हाँ मॉम, हमारे बीच में कुछ स्पेशल है, हम डेट कर रहे हैं। आज रात मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है मॉम। हाय मेरी बच्चियाँ, क्या होगा? लैला। हाँ बोलिए ना मिस्टर एमरे। उस्मान और तुम डेट कर रहे हो? मिस्टर एमरे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लैला। मिस्टर एमरे, फिलहाल मुझे सनीम की फिक्र है, सो प्लीज हमें सनीम और मिस्टर जान को ढूंढना होगा। ठीक है, ऑलराइट। जरा तेज गाड़ी चलाइए। मैं आपसे कहने वाली थी कि यहाँ पर आते हैं। हाँ, सच में? हाँ, अकेले में बात करने के लिए। मुझे आपसे बात करनी है। बात करनी है? मैं जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहती हो। सच में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में ना पड़ो। जान सुनिए प्लीज, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सनम, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम चाहती हो कि मेरी मॉम के साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुझे खुद इसे सॉल्व करने दो, तुम इसमें मत उलझोगे। मैं नहीं चाहता कि इस सब के चक्कर में तुम्हें कोई दुख पहुंचे। ना ऑलराइट जान। ओके, मुझे खुशी हुई कि तुमने अग्री कर लिया। चलो चलते हैं। जान, जान मुझे यकीन नहीं हो रहा। खुशबू है इसकी। तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत प्यारी है। कोई भी खुशबू तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। जान, काश मैं हमेशा के लिए यही रहूं, हमारे इर्द गिर्द कोई भी ना हो, आप, मैं और ये। तुम मुझसे बोर नहीं हो जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं, बोर क्यों हो जाऊंगी। तुम्हें पता है कि पुराने वक्त में इजिप्ट के लोग कहते थे कि फिंगर की वेन सीधे दिल तक जाती है, यहाँ से होकर यहाँ तक। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता था? सच में? मॉडर्न मेडिसिन में ये साबित किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी लोग जो शादी करना चाहते हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये इतने सालों से चलते आ रहा है तो लोगों का अभी भी उसमें विश्वास है। जान, जान, ये स्टोन। हाँ सनम, ये व्हाइट मून स्टोन है।
तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी खुशी है। लेकिन मैंने तो वो तोड़ दिया था, क्या आपने उससे ये रिंग बनवाई? सनम, तुमसे मिलने के बाद मैं एक अलग इंसान बन गया। मैं अब अलग फील करता हूँ, लेकिन मैं उसी वक्त समझदार भी बन जाता हूँ, और कभी कभी मैं ब्रेव बन जाता हूँ तो कभी कभी बहुत लाइट फील करता हूँ। उसी वक्त मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता हूँ। तुम्हें पता है क्या, जब से तुम मुझे मिली हो, मैंने मेरी आंखों को, मेरे हाथों को, मैंने मेरे दिल की धड़कन को फील किया, और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए, हम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ ही रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती? जान, मैं तो ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन 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 क्या सनम? क्या हम इस लेकिन से कभी छुटकारा नहीं पा सकते? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम एक्सेप्ट करती हो, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, मतलब मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब रिजेक्ट कर रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, ये नामुमकिन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाह रही हो, तो प्लीज मुझे साफ साफ समझाओ। इससे पहले मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हमसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है सनम? मुझे बताना ही पड़ेगा, और यह आपको पता चलना चाहिए जान। सनीम, मैंने सनीम सनीम लैला लैला मिस्टर जॉन, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे इंटरप्ट किया। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? बहुत अर्जेंट काम था, पर सनीम का फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने मिस्टर एमरे को कहा मुझे आपके पास जाना है। क्यों, क्या हुआ? सनीम मॉम की तबीयत खराब है। क्या क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, शायद ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया है। मुझे मिला है तो आंटी का फोन आया था, हमें जल्दी से जाना होगा, प्लीज। हाँ चलो चलते हैं। हाँ हाँ, मिस्टर जॉन, मॉम और डैड के बीच झगड़ा तब हुआ जब उन्होंने आपकी न्यूज़ पढ़ी, सो इट विल बी बेटर कि आप। हाँ मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं ना आऊँ। मिस्टर एमरिक गेट पर रुके हैं जान, वो यही है, तो क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? हाँ एमरिक तुम लोगों को सेफली घर ले जाएगा, पर मुझे इन्फॉर्म करना कि क्या होता है। ठीक है, सी यू। चलो क्या हुआ है मॉम को? ये सब क्या है, क्या मतलब है तुम्हारा? जल्दी चलो, वो बीमार है सनीम। लैला मॉम को कॉल करो और पूछो उनकी तबीयत अब कैसी है, चलो जल्दी चलो। सनीम सनीम प्लीज एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मॉम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने सनीम काम किया? क्या मेरे भाई से बात हुई तुम्हारी? फैब्रिक के बारे में कुछ बताया तुमने उन्हें? नहीं अभी तो नहीं, पर मैं बताने वाली थी और बीच में तुम आ गई थी। अच्छा हम पहुंच गए। क्या मतलब है आपका? सने मैं सब जानता हूँ, मैंने तुम्हें फैब्रिक की कंपनी में देखा था। कैसे कैसे पता चला आपको? मैं तुमसे कल ही बात करने वाला था लेकिन हो नहीं पाई, तो मैंने लैला से बात की और फिर हमने ये डिसाइड किया। इसका मतलब मैंने वो सारे सीक्रेट जान से पहले भी छुपाए हैं, और ये सब क्या हो रहा है, अब मुझे ये नया सीक्रेट छुपाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, अगर तुमने भाई को सच बता दिया तो वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा और वो सच में चला जाएगा। ऐसा होगा क्या? हाँ, वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। मेरा भाई तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है सनीम, उसका दिल टूट जाएगा, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जान को झूठ से और सीक्रेट ट्रिक्स से सख्त नफरत है, और मैं उनसे फिर से आपकी वजह से झूठ नहीं बोल सकती,
मुझे उन्हें जाकर एक सेकंड बात तो सुनो ना प्लीज। सनी तुम सही कह रही हो, सही कह रही हो। मैंने भी झूठ बोलने की कीमत चुकाई है, बहुत बुरी कीमत चुकाई है। मैं नहीं चाहता कि वो भी ऐसे ही ट्रॉमा में रहे। इस बार वो किसी की नहीं सुनेगा और निकल जाएगा। पहला अगर वो चले गए तो मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी? कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जान ने मुझे प्रपोज किया था। मैं जानता हूँ, क्या कहा तुमने उससे? मैंने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं। तुमने उन्हें ना कह दिया? और क्या कहती मैं उनसे? इतने सारे झूठ बोलने के बाद धोखा देकर मैं शादी नहीं कर सकती। मैं खुद गिल्टी महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा करने से पहले उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता देनी होगी। अब यही तरीका सही है सनी। मेरी मॉम वापस आ गई है, इसलिए वो स्ट्रेस में है। उसका डिसीजन इस वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम उसे जानती हो। लेकिन उन्हें सही सनेमा भी पता नहीं है। चलो चलते हैं। एक्सेप्ट नहीं कर सकती और नहीं भी नहीं कह सकती। मुझे यकीन हम लोग अपना जॉब खो बैठे हैं। वही तो, ऐसा कैसे चलेगा काम? हम लोगों को तो जॉब जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं गॉसिप मत करते बैठो, गॉसिप मत करते बैठो। जैसी हालत लग रहा है मुझे तो लगता है कि वही होने वाला है। कोई उम्मीद नहीं कि बुरे हालत होने वाले, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हो सकता है चीजें और बिगड़ जाएं। मुझे तो लगता है मिस्टर जॉन को ही जनरल मैनेजर बना दिया जाएगा। हो सकता है, हो सकता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम मामूली एम्प्लॉइज हैं, वो हमारे बॉसेस हैं। हम जानते हैं ना मिसेस जुमा मिस्टर एमरे को पसंद करती हैं। शायद इसके पीछे रीजन हो सकता है, वो जब सेपरेट हुई थी तो मिस्टर एमरे को अपने साथ लेकर गई थी और मिस्टर जॉन को मिस्टर अजीज के साथ। अच्छा ऐसी बात है तो। हाँ मुझे पता है। चुप रहो, बकवास बंद करो। जब देखो तब एक दूसरे के साथ हमेशा गॉसिपिंग करते रहते हो। बस गॉसिपिंग ही करते रहते हो। याद रखना ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस सब के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो गुलीस। मैं बस सिचुएशन को एनालाइज कर रही हूँ। सुनो मिसेस हुमा, मिस आइलैंड को मिस तेरेन की जगह दे सकती है। आई थिंक ये पॉसिबल है क्योंकि उन दोनों की बहुत ही अच्छी बनती है और ये होगा। हाँ गुलीस, जैसे कि तुम्हें इस एजेंसी में क्या क्या हो रहा है सब पता है। अब ये बकवास बंद भी कर दो ना, कोई किसी को रिप्लेस करे क्या फर्क पड़ता है। अब सुनो, मिस डेरेन को मिस आइलिन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, मिस डेरेन को सनेम के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। इससे अच्छा तो तुम मुझे भी रिप्लेस कर दो। हाँ गुलीस, तुम कितने मीन हो जीजे। हाँ पता है। हाँ मिस डेरेन यहाँ आ गई है तो क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? क्या वो सिर्फ एक चीज है? क्या वो चीज है बताओ? क्या उन्होंने तुम सबको एक परफेक्ट बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन नहीं बनाया? क्या उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होगी? उनको जो कहना है वो कहती हैं। उनकी अपनी स्टाइल है काम करने की, वो पूरी तरह ऑर्गेनिक। हाँ बिल्कुल, मैं ऑर्गेनिक हूँ, आर्टिफिशियल नहीं हूँ, ऑर्गेनिक हूँ। आपने सही कहा, आप ऑर्गेनिक है। आई थिंक जेजे को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। आर यू फाइन मिस डेरेन? एम आई फाइन? नो। नहीं, ऐसे कैसे फाइन हो सकती हूँ? जरा देखो इस जगह को, किंडरगार्टन बनकर रह गई है ये जगह। आज कोई काम नहीं करेगा। ये लोग यहाँ तब इकट्ठा बैठते हैं जब कोई गॉसिप इन्हें मिले, पर जब काम करने का वक्त आता है तो सब भाग जाते हैं। अब जाकर काम करो, खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो। हाँ ठीक है, ठीक है मिस डेरेन, ठीक है। सुना तुम सबने, अब जाओ और अपना काम करो। मेरी तरफ ऐसे मत देखो पुलिस। पुलिस, मैं मिस डेरेन को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता बताओ? अपनी इन गॉसिप में कभी मेरा जिक्र किया तुमने? कभी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया तुमने। सनम, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, जान का चेहरा मेरी आंखों से हटता नहीं। मैंने उन्हें बहुत दुखी कर दिया है, उनका दिल सड़ गया। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, पर एक बात, तुमसे जितना हो पाया तुमने कोशिश तो की है ना, सो ऐसे मत रो ठीक है। अगर चाहो तो उन्हें कॉल भी कर सकती हो, तुम बता दो कि मॉम अब ठीक है। अगर तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? कम ऑन, बोलो, कम ऑन। सनम जान,
मैं मोहल्ले में पहुंच चुकी हूँ। मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मॉम बिल्कुल ठीक है, कुछ सीरियस नहीं है। अच्छा लगा सुनकर। मिसेस मेलाहत ने कुछ ज्यादा ही बता दिया था कि हम परेशान हो जाए। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। थैंक्स कि तुमने मुझे कॉल करके बताया। कुछ कहना है? तुमसे कहना कि मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, या फिर कुछ मत कहना वरना वो फिर से नाराज हो जाएंगे। रखता हूँ। See you. कितने शांत हो गए हैं वो। मैं तो झूठ के समंदर में फंस गई हूँ। आई होप इसका नतीजा अच्छा हो मिस्टर हेनरी। सनी, सनी, सनी प्लीज तुम चिंता मत करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ बोलिए मॉम, कैसी हैं? एमरे कहाँ हो तुम? जान भी नहीं है यहाँ पर। मैं बाहर हूँ मॉम, थोड़ा बिजी हूँ और भाई भी बिजी हैं। हम आज कंपनी नहीं आ पाएंगे, रात में घर पर मिलते हैं। ऑलराइट, लेकिन अपने भाई को भी साथ लेते आना, उसे घर से बाहर रहने की जरूरत नहीं है। ये जरा सा मुश्किल है, वो अब भी नाराज है। क्यों, अब क्या हो गया? हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है उसे, इसलिए हम सब आज रात को डिनर साथ करेंगे और मैं तुम्हारे भाई को कॉल भी कर देती हूँ। देखिए मॉम, उसका सनेम के साथ कुछ आर्गुमेंट हुआ है, इसलिए अभी मत कीजिए। क्यों, सनेम ने क्या आर्गुमेंट की है उससे? ये लोग, क्लास लोग ऐसे ही होते हैं। उसने शादी की जरूर कोई प्लानिंग बताई हो। हाँ, ये शादी की वजह से ही हुआ है, पर जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। उसने भाई का प्रपोजल ठुकरा दिया है, मना कर दिया उसने मॉम। क्या उसने ऐसा किया? सनम ने उसे रिजेक्ट कर दिया? अजीब बात है, आई कांट बिलीव दिस। मुझे नहीं पता, मैं घर आऊंगा तब इस पर बात करते हैं। ओके, ठीक है बेटा, बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ मुझे भी। जान ने सनम को प्रपोज किया और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया? यस एग्जैक्टली, ऐसा ही हुआ है आइलैन। सनम इज अमेजिंग। हाँ अमेजिंग तो है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों किया होगा? इट्स वेरी स्ट्रेंज, वो तो उसे बहुत पसंद करती है। क्या पता। कुछ तो बात जरूर है इस लड़की में। ओके, अब मैं श्योर हो चुकी हूँ, अब मैं घर जाती हूँ और इस बात का पता लगा। ऑलराइट मिसेस होमा, सी यू लेटर हनी। फैब्री, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। बोलो ना। सनेम ने जान का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। क्यों, क्या दोनों में झगड़ा हो गया? वेल, ये सब तो मुझे पता नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इतनी आसान बात नहीं है। शायद वो खुद को गुनहगार समझने लगी हो, तभी तो उसने झूठ बोला है ना। हो सकता है यही रीजन हो, मुझे तो इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं सोच रहा। जान को इस रिजेक्शन से बहुत बुरा लगा है। मैं तो सनम की एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। फिलहाल तो हमें सच लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं सनम को जानता हूँ, वो सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकती जान से। तब हम ऐसा कह सकते हैं, हमारा प्लान, मुझे रेड मोड एडवर्टाइजिंग कंपनी की सारी जानकारी चाहिए आई, और तुम्हें ये काम करना ही है। पर कैसे? मिस्टर फैब्री, मैं यहाँ पर सबका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हूँ, ये लोग अभी भी मुझसे सारी बातें छिपाते हैं। आइलीन, मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने अपने शेयर्स तुम्हें इसी काम के लिए दिए थे, इसलिए तुम्हें वही करना है जो मैंने कहा है। कैंपेन के बारे में सारी जानकारी हासिल करो जल्द से जल्द, ठीक है? लैला। हाँ जान, कॉल कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। चलो उठाओ फोन। ठीक है। हेलो हेलो सनम, अब तुम्हारी मॉम कैसी है? हाँ हाँ ठीक है।
उनका ब्लड प्रेशर, इंसुलिन लेवल सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। I'm glad. अब हम बात कर सकते हैं ना? जान। सनम। मैं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए बेताब हूँ, जो तुमने माउंटेन हाउस में नहीं दिया था। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ क्यों नहीं, अब उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझसे। वो जानना चाहते हैं कि मैंने उनका प्रपोजल क्यों ठुकराया है। ओके गुड, ठीक है। लेकिन अब मैं उनसे क्या कहूंगी? आई डोंट नो, मैं बस सोचती हूँ। उससे फैब्रिक के बारे में मत बताना। ठीक है, आओ बैठो ना। ठीक है, अब वो मुझसे पूछेंगे कि मैंने उनका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। हेलो, क्या ये रेड मोड का कैंपेन है? नहीं मिस आइलिन, ये किसी और कंपनी का है। इट लुक्स नाइस। थैंक यू सो मच। तुम रेड मोड की कैंपेन पर काम कर रही हो? हे हाय, क्या ये रेड मोड का कैंपेन है? नो मिस आइलिन, ऐसा नहीं है। ये भी काफी अच्छी पिक्चर है। चलिए से एक सेकंड प्लीज। हाँ हाँ मिस आइलिन, बोलिए। क्या तुम्हें पता है कि कंपनी अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है इस वक्त, और कोई भी उस पर काम करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए कोई प्रेपरेशंस नहीं हो रहे यहाँ पर। मिस आइलिन, मुझे उस कैंपेन के बारे में कुछ नहीं पता। सनीम वाज टेकिंग केयर ऑफ इट, मुझे नहीं पता। तो जो काम हो चुका है वो कहाँ है? पता नहीं। ब्रावो, इस एजेंसी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और कोई भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है हमें अपने काम करने का पैटर्न बदलना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ कोई भी सीरियस दिखाई नहीं दे रहा है। सनीम आर्काइव पर काम कर रही थी। क्यों बताया तुमने? सो फाइनली मुझे जवाब मिल ही गया। अब जाओ अपना काम करो सब लोग। पुलिस, ये फिर से क्या कहने लगी थी? पता नहीं, बस चिल्ला रही थी मिस बेरन की तरह। कल ही आई है यहाँ पर, देखो उन्हें कैसे उड़ रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। वो बॉस बन गई है ना, उसके कंपनी में 20% शेयर। मुझे अब याद मत दिलाओ जेजे। उसे पावर की नशा चढ़ गई है। मुझे भी मेरे हाथ में ऐसी ही पावर चाहिए, और मुझे उसका नशा भी होना चाहिए। मिस आइलिन तुम्हें फायर कर सकती है, जैसे कि वो कहेंगी गो आउट और तुम ऐसी ही चली जाओगी, है ना गुलिस? जेजे, मैं कितनी बार रिपीट करूं ऐसे नेगेटिव बातें, मेरे साथ मत करो प्लीज। सोच रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। गुलिस, अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, और अब जल्दी से तुम्हारा हाथ आगे करो। क्या कह रहे हो जेजे? आंखें बंद रखो, बंद रखो, काम जाओ, ऐसे ही रहो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या है ये, बताओ क्या है ये, क्या है ये, प्लीज मुझे बताओ जेजे। जेजे तुम प्लीज बताओगे? अपनी आंखें खोलो। आइलिन से बचने के लिए मैंने भी पहना है, देखो। जेजे थैंक यू सो मच। जेजे हूं ना मैं स्मार्ट। जेजे हाँ बोलो। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? नहीं बिल्कुल मत बताना। नहीं जेजे, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताऊं? मैं जा रहा हूं। मत जाओ प्लीज, मैं तुम्हें बताऊंगी। मत जाओ प्लीज, मैं नहीं सुनूंगा। मिस आइलिन फिर से मिस्टर एम्ब्री के पीछे पड़ी है, और अब सब अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिस्टर एम्ब्री और ले क्या ले 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 क्या बोल रहे हो बताओ? ले ले, मुझे गाना गाने का शौक है। जब शब्द याद नहीं आते तो मैं ऐसे ही ले 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 करता हूँ, यू नो, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो ले ले को इंटरनेट सर्च करके क्या कर रहे हो तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर फिर भी पता नहीं चला तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, मुझे काम है बहुत। बाय बाय। ओ तुम घर आ गई? आज हमारा काम जल्दी खत्म हो गया। अभी कहाँ जाना है तुम्हें? मैं मेरे पास अभी वक्त है, इसीलिए जरा यहां से निकल आती हूं। अपनी मॉम की मदद भी कर दिया करो, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं होता। जब देख लो लैला, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? इधर आओ, मुझे थोड़ा काम है। इधर आओ बेटा, बात सुनो, आ जाओ इधर आओ। क्या हुआ मॉम? बेटा मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है जब मैं सबसे बातें सुनती हूँ, इसलिए मैं जो भी सवाल पूछूंगी उसका सही सही जवाब देना मुझे। पूछे ना मॉम, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। लैला, ये ओस्मान के साथ क्या चक्कर चल रहा है? सारे बातें कर रहे हैं ओस्मान लैला, ओस्मान लैला। मॉम, मॉम ओस्मान ने आकर मुझसे उसकी दिल की बात बताई है। ओह ओह मॉम,
ओ मतलब ये कि वो बहुत ही सच्चा इंसान है, हार्ड वर्किंग है, हैंडसम है, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ मॉम, पर हम अभी अभी एक रिलेशनशिप में आए हैं। हाँ? तुम्हें अपना वो बॉस पसंद है, यही कहना चाहती हो ना? नहीं मॉम, इसका उससे क्या लेना देना, मुझे कोई पसंद नहीं है। देखो बेटा, अगर मुझसे पूछोगी तो मैं कहूँगी ओस्मान तुम्हारे लिए सही लड़का है। अगर तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो तो उसका दिल मत तोड़ना, उसके साथ कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। मॉम मैं उसका दिल क्यों तोड़ूंगी बताइए? अगर तुम सीरियस हो तो हम सबको सही तरीके से बता सकते हैं ताकि ये मोहल्ले वाले हमारी गॉसिप ना करें। मॉम थोड़ा रुकिए ना, उस्मान को मेरे लिए फीलिंग्स कई सालों से हैं, पर मेरा ऐसा नहीं है ना। मैं तो उस्मान को अभी अभी उस नजर से देखने लगी हूँ, मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए प्लीज, मैं ये सब नहीं कर सकती। लैला तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आती बेटा। देखो अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया ना तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, समझी तुम, और ये बहुत बुरा होगा। और एक बात, तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करोगी ताकि बदले में वो तुम्हारा बुरा ना। ठीक है मॉम, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना है, मैंने जो कहना था कह दिया है। वैसे एक बात बता दूं, वो लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, उसका दिल मत तोड़ना, समझी बेटा, मेरी प्यारी बच्ची। हाँ उस्मान। हाँ, क्या कर रही हो लैला? कुछ नहीं, तुम आज क्या कर रहे हो? मैं बस एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। मुझे एक नए और अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता चला है, अगर तुम फ्री हो तो हम चल सकते हैं वहाँ पर। मैं आज बिजी हूँ, घर पर थोड़ा काम है तो आज नहीं आ पाऊंगी मैं। ओके ठीक है, मैं समझ गया, कल मिलते हैं। मैं सेट से कल जल्दी आ जाऊंगा, फिर मिल लेंगे हम लोग। ओके, आई थिंक मैं कल भी बिजी रहूंगी, सो आई डोंट नो। हमारी नई कैंपेन चल रही है तो मुझे बजट पर काम करना है, मैं नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है, तो जब तुम्हारे पास टाइम हो मुझे बता देना। ठीक है, वैसे तो मैं पूरा वीक बिजी रहूंगी पर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, चलो अब मैं रखती हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके गुड बाय। वो क्या था जो तुम मुझसे कहना चाहती थी सनम? कब तुमने कहा कब? क्या तुम मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? माउंटेन हाउस में याद है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, वो क्या था बताओ? जान मैं सच कहूं तो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मोमेंट से ज्यादा तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? जान हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, मेरा मतलब मोहल्ला, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, इस सब का पर बहुत प्रेशर आ सकता है, मैं ऐसा सोच रही थी। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं सनम, की है ना? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं राइट? तो मुझे ऐसे प्रेशर की कोई परवाह नहीं, ये सब देख लिया जाएगा। हाँ हमने बात की है, लेकिन आपकी मामा भी वापस आ गई है, इसलिए मुझे लगता है आप अभी कंफ्यूज हैं। किसको परवाह कि मेरी मम वापस आ गई है, ये तो मेरा प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे से क्या लेना देना है? क्योंकि आपकी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, हमारी शुरुआत बहुत खराब हुई थी, यही रीजन हो सकता है। सनम तुम बहाने ढूंढ रही हो और कुछ नहीं। हाँ सनम, हाँ तुम बहाने ढूंढ रही हो, तुम रीजंस दे रही हो सिर्फ। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, हम उस पॉइंट पर आए ही नहीं है। कैसे? हमारी फीलिंग्स एक जैसी नहीं है। ऑनेस्टली कहूं तो तुम वैसा फील नहीं कर रही हो जैसा मैं करता हूँ। जान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बारे में और बात करने की जरूरत नहीं है, ओके? मैंने सिर्फ इतना कहा, कह रहा हूं, पता नहीं आगे क्या कहूंगा। तो अब तुम प्लीज इस बारे में जरा सोच लो, ठीक है? तुम्हें अपना डिसीजन खुद लेना होगा।
ठीक है। Remember, एक और स्लोगन क्लासरूम की सबसे हार्ड वर्किंग लड़की की तरफ से। देखिए जरा यहां पर क्या है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेचे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये काम क्यों नहीं कर रहा? बस कुछ नहीं, मैं ऐसे ही यहाँ आया हूँ। यहाँ मुझे काम करने की इच्छा हो गई थी, मैं बस इंस्पेक्टिंग करने आया। चेचे इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मतलब रूम से या ऑफिस से, कैसे कैसे जाऊँ? चेचे इस रूम से बाहर जाओ। ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। चेचे हाँ ठीक है, पता नहीं ये काम क्यों नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा है मुझे। आइलेन 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 एक सेकेंड, क्या हुआ डेरन, क्या बात है? मैंने सुना कि तुम बहुत टेंस्ड हो और तुमने इस सब पर चिल्लाया भी। हाँ डियर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ किसी को नहीं पता कि कंपनी को हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कोई उस पर काम ही नहीं कर रहा। वेल कोई तो उसे हैंडल कर रहा होगा ना, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? इस प्रोजेक्ट के मैनेजर तो तुम नहीं हो, इस प्रोजेक्ट की मैनेजर तो सानिम है। नॉनसेंस, ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है अभी तक, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, तुम ये सब बना रही हो और तुम ऐसे ही इंतजार करती रहोगी। डेरन तुम अपने आप को कब प्रूव करोगी मिसेस हुमा के सामने? उन्हें लगता है कि ये एजेंसी ओवरक्राउडेड हो गई है। पहले तो तुम इधर आओ। तुम सबके सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैंने कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं इस कंपनी में और जानती हो मेरा एक क्लीन और ब्राइट पास्ट रहा है, समझ गई तुम? पास्ट हमेशा पास्ट होता है डेरन। चलो तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब दो। तुमने क्या स्लोगन सोचा है रेड मोड कैंपेन के बारे में? ऑफकोर्स मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि तुम अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई हो। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा। ओके, तुम्हारे सामने एक स्लोगन रखती हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। ओके, ऐसा क्या है? बी रिमेम्बर्ड। बी रिमेम्बर्ड, नॉट बैड। वैसे आज तक ऐसा स्लोगन यूज नहीं हुआ है, लेकिन आइलिन तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? हाँ क्योंकि डेरन डियर, मैं सनिल को पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल हाँ। नहीं, और मैं तुम्हारी सक्सेस अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, ना कि सनिल की। और तुम्हें एक बात बता दूँ कि तुम में इस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे कि सब लोग तुम्हें याद करें। बी रिमेम्बर्ड, बी रिमेम्बर्ड। अगर ऐसे ही काम करती रही तो आई एम श्योर कि तुम्हारे पास ग्रेट प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि इस एजेंसी में इतनी स्मार्ट लड़कियां नहीं है, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सी यू लेटर। बी रिमेम्बर्ड, बी रिमेम्बर्ड विद रेड मून। अरे मुझे जरा पेन दो अर्जेंटली। मामी जरा पीछे मुड़ो। हाँ मुझे कुछ नोट्स निकालने हैं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। बी रिमेम्बर्ड, बी रिमेम्बर्ड। देखा सब स्लोगन भी आने लगे हैं। अरे वाह, मेरे दिमाग में तो कितने सारे स्लोगन बन रहे हैं। मुझे लग रहा है बी रिमेम्बर्ड और उसके बाद। मिस डेरन आप ये क्या कर रही हैं? अरे हमारे काम के आदमियों का कोई ऐसे इस्तेमाल करता है क्या? मिस डेरन क्या कर रही हैं आप? मिस डेरन आप देख नहीं रहे मैं काम कर रही हूँ? जेजे काम करते वक्त बिल्कुल इंटरप्ट मत करा करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये सब। इतने सालों में तुम ये भी नहीं सीखे हो, सब लोग साइलेंट रहेंगे जब तक मैं काम करती हूँ। बी रिमेम्बर्ड। मुझसे कहती है, मैं क्या इनकी बिल्ली हूँ? ठीक है तो मेरे खाने का पॉट कहाँ है? यहाँ पर रखो, मैं यही अपना कैट फूड खाऊंगा हर दिन। और तुम क्यों डेस्क की तरह खड़े हो गए? इसलिए कहता हूँ नशे में रहना बंद करो।
भाई आप बाहर नहीं गए? नहीं लैला बिजी थी इसलिए। हाँ मतलब उसने आपको डिच कर दिया। क्या कह रही हो तुम? हाँ वो ऐसा क्यों करेगी, इसमें क्या हुआ? वो बिजी थी तो हम बाद में चले जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उस दिन भी वो बिजी रही। आया तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो लैला बहुत बदल चुकी है ओके, और वो मुझे पसंद करती है। काश वो सिर्फ आपको ही पसंद करे। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि आपको ये दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। मैं नहीं चाहती कि आप दुखी हो जाओ, लेकिन आप खुद ही देख लो तब आपको शायद समझ आएगा। ये आपको तो डेट कर ही रही है पर साथ ही साथ एमरे को भी डेट कर रही है। ये पुराना भी तो हो सकता है, लैला ने मुझसे कहा था कि वो उससे कभी नहीं मिलेगी। ये फोटो नया है भाई, जेजे ने खींचा था और मुझे भेजा था। वो आपके साथ जाती है और उसी वक्त वो एमरे के साथ भी जाती है। मैंने आपसे कहा था कि उस पर भरोसा मत करना, आपका दिल तोड़ देगी ये लड़की। वो आपको डिजर्व ही नहीं करती, आपको इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ नहीं सुना। मैं अपने अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप चाय पियोगे क्या? चलिए साथ में चाय पीते हैं। Deki güvercin, yanındaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.